कुंजन सलूजा है और मैं आपको आज मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष एक गंभीर समस्या है जिसके आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यदि हम विश्व संगठन की रिपोर्टों पर नजर डालें तो ऐसा माना गया है कि 2050 तक यह आंकड़े लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका लगातार बढ़ने का कारण है गैजेट्स का उपयोग, मोबाइल फोन का बढ़ता उपयोग तथा लैपटॉप स्क्रीन का बढ़ता उपयोग और घर की चार दीवारों में सीमित हमारी लाइफस्टाइल। आखिर मायोपिया क्यों होता है? तो आंख यानी आईबॉल की जो लंबाई है, यदि वह अधिक है किसी मरीज में तो उसे मायोपिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब यानी इमेज रेटिना पर बनती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है तो उसमें यह प्रतिबिंब या इमेज रेटिना के सामने बनती है। इसके अलावा पुतली में, आंख की पुतली यानी कॉर्निया में अगर किसी प्रकार की विकृति है तो उसके कारण भी मरीज को मायोपिया हो सकता है। कई मरीजों का यह प्रश्न होता है कि मायोपिया उन्हीं के बच्चों को क्यों हुआ? तो इसके कई कारण हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण है कि यह परिवारों में चलता है। जिन बच्चों के माता पिता को पहले से ही मायोपिया है उन बच्चों को यह होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि कोई किताबों को, मोबाइल फोन्स, गैजेट्स और लैपटॉप स्क्रीन को ज़रूरत से ज़्यादा पास रखकर देख रहा है तो उसके कारण भी मायोपिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? जो सबसे सामान्य रूप से देखने वाले लक्षण हैं वे हैं सरदर्द, दूर का कम दिखना या स्पष्ट नहीं दिखना, बच्चे अक्सर ब्लैकबोर्ड में धुंधला दिखने की कंप्लेन कर सकते हैं और शिक्षकों को इस बात का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि लगातार आंखों में जोर लग रहा है तो आंखों में थकान सा महसूस होना भी एक कॉमन लक्षण है जो हमें देखने को मिलता है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है आपको चश्मे की ज़रूरत हो। यदि आपको चश्मे का नंबर दिया जाता है तो चश्मा पहने, उसमें कोई खराबी या बुराई नहीं है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेस का उपयोग भी किया जा सकता है। कई माता पिताओं का यह प्रश्न होता है कि मायोपिया को बढ़ने से कैसे रोकें, क्योंकि अक्सर बच्चे जैसे विकसित होते हैं उनकी आँखों में भी विकास होता है और आँखों की लंबाई भी बढ़ती है। इसलिए इस उम्र में मायोपिया का या चश्मे का नंबर बढ़ता है। कई पेरेंट्स का यह सवाल होता है कि इसे बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो कुछ शोधों में यह पाया गया है कि अट्रोपिन नामक आई ड्रॉप्स हैं जिनकी बहुत ही कम मात्रा 0.01% उपयोगी पाई गई है चश्मे का नंबर रोकने में। इसके अलावा कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेस भी उपयोगी पाया गया है चश्मे का नंबर रोकने। याद रखें।